कहाँ से? नहीं नहीं कर रहा हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानकी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आस्था के पापा। कहाँ? जवारी आस्था भी रखेगी तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगा वहाँ का। चले आस्था, देख पा रहे होंगे आस्था जा रही है जवारों के पास। तो दोस्तों, हमारे गांव का रीति रिवाज ये है कि जो रामनवमी का दिन होता है उस एक दिन पहले उससे, तो उस दिन ऐसे जवारे जो 9 दिन के रखे रहते हैं इकट्ठे किए जाते हैं, और लड़कियां अपने सिर पे रखेंगी और औरतें भी अपने सिर पे रखेंगी। पूरा गांव चक्कर लगाया जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे। बोलो देवी मैया की जय, बोलो अंबे मैया की जय, अंबे मैया की जय, तारका मैया की जय। तो दोस्तों, हमें इनकी झलक तब मिलती है जब ये हमारे घर के बाहर से गुजरेंगी, जब इनकी झलक मिलेगी। लेकिन आस्था के पापा वहीं पे थे। आदमी आदमी सभी लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो मेरे घर में धनिया ख़त्म हो गई थी, तो मैं धनिया बना रही थी, मतलब बनी वाली नहीं थी मेरे पास, और यहाँ पे मैं बनाने बैठ गई, सूख से फटक रही हूँ। सुबह सुबह चाय है मेरी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए पहले से ही चेहरे पे खुशी झलक रही है। और इधर देखिए, इनका टेंगे टेंगे डांस चल रहा है, वो उसे चिढ़ा रही है। दोस्तों मैं पी रही हूँ चाय, और आस्था के पापा आप चाय नहीं पीते हैं गर्मी में, उन्होंने चाय बंद कर दी है। दोस्तों उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने। पहले चाय आए पी ली थी, क्योंकि आंगन इतना बड़ा है ना कि फिर लग जाओ यहाँ काम में तो फिर लगे ही रहो, और फिर चाय का भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पहले चाय आए पी लो, उसके बाद काम में अपना लगे रहो। तो दरवाजे से शुरुआत कर दिए सफाई के लिए, और रोज डेली बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है, लिपाई भी कर दी थी। उसके बाद जब बारिश हो गई तो फिर वही हाल हो गया, बारिश ने वो सारा जितना लिपा था मैंने वो सारा बह गया। दोस्तों मैं आस्था के बाल की चोटी कर दे रही हूँ। सारे त्योहार अब ख़त्म हो गए, जो जवारे निकले थे वो कल शाम का ब्लॉग था। अब यहाँ पे दोस्तों सुबह हो गई है, तो अब है सीधे घर में शादी ब्याह की तैयारी, और हमारे घर में है शादी, तो बस अब उन्हीं की तैयारियाँ बिल्कुल चलेगी और ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों तरबूज आया था कल के दिन घर में, तो बहुत ही मन कर रहा था मुझे खाने के लिए। अभी तरबूज तो महंगे हैं, लेकिन अब धीरे से मतलब सस्ते हो जाएंगे। और यहाँ पे फ्रिज में रख दिया था तरबूज, खाओ वैसे खाओ। एक की तरफ से थोड़ी खाया जाता है, दूसरी तरफ से खाया जाता है। तो अब आ गई हूँ दोस्तों कमरे में, कमरे की सफाई करने। और वैसे तो ये जितने आगे कपड़े डले हैं ये सारे धोने को हैं, लेकिन ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है धोने में, और कभी टाइम निकाल के बिल्कुल इन्हें धो दूंगी। जो साड़ियाँ पूजा वगैरह में मैंने पहनी थी वही वाली साड़ियाँ हैं,
तो इस समय घर पे कोई नहीं था, तो सबसे पहले मैं सफाई करने लगी हूँ, खटोली वगैरह उठा दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, बिस्तर सारे मैंने हटा दिए हैं। दोस्तों इस कमरे की पूरी तरीके से सफाई हो गई है और अब मैंने थोड़ा सा पंखा चालू कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा गैया को ढील रहे हैं और कमेंट आता है कि हम गाय को खाने को नहीं डालते, अगर हम खाने को नहीं डालेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेगी, और फिर हमें दूध की ज़रूरत है, ना कि गाय को हमारी ज़रूरत है बल्कि हमें गाय की ज़रूरत है, तो हम उसे भरपूर खाना देते हैं। दोनों टाइम दरिया बना के देते हैं क्योंकि अभी उसका बछवा हुआ है, और मार के भगा नहीं देते हैं बल्कि उसे डंडे की, देखिए डंडा अभी भी पकड़ रखा है उन्होंने, डंडे की मदद से थोड़ा सा डराया जाता है। तो रस्सी नहीं निकलवा रही थी तो आस्था के पापा ने इसलिए अपने हाथ में डंडा ले रखा था, और ऐसा मारने आने का कोई वो नहीं है, हम बहुत प्यार से गाय को रखते हैं। और दोस्तों कमेंट आता है कि खाना नहीं देते भगा देते हैं, तो ऐसा है कि इन दिनों अब हरियाई खेतों में इतनी रह नहीं गई कि काट काट के ला के और गाय को यहाँ पे बिठा के खिला सकें, तो इसलिए इन दिनों गांव जितने भी जानवर हैं हमारे पूरे ही गांव के सभी फ्री हैं, मतलब कि हम तो रात भर गाय को रखते हैं, लोग गाय को रात में नहीं रखते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम अपनी गाय को रात भर यहाँ रखते हैं, धुआं करके रखते हैं ताकि उसे मच्छर ना काटे, इसके लिए यहाँ पे कंडा जला के रखते हैं, ठीक है। और ये है ना कि अभी हरियाई खेतों में नहीं है, लेकिन जो खेत कटा है जैसे नांज पानी जो भी है वो सब खेतों में डले हैं, तो वो जब गाय जाएगी तो अपने मन से उसे जितना खाना होगा वो खा के और वापस आ जाएगी घर को, तो ऐसा सभी गाय हमारे गाँव में सभी लोग ऐसा करते, तो हम भी बस यही करते हैं, मार के हमने कभी नहीं भगाया, मार के दोस्तों हम तो क्या कोई नहीं भगाता, बस वो तो ये है कि डंडा हाथ में रखना पड़ता है थोड़ा सा, यही बात थी। और पता नहीं आपको किस एंगल से गलत लगा, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि आपको क्यों ऐसा लगा कि हम मारते हैं खाना नहीं देते। यहाँ पे दोस्तों गाय चली गई थी बाहर, मैंने तुरंत सफाई कर दी है यहाँ की, उस तरफ की कर दी है जहाँ पे गाय बंधा करती है, और इस तरफ की अब मैं कर दे रही हूँ। तो दोस्तों वाकई आप नहीं मानेंगे, मुझे और मेरे घर में जितनी गाय की परवाह हम तीनों को ही है ना, शायद ही किसी घर में इतनी ज़्यादा परवाह होगी, शायद ही। चलो दोस्तों हम अपने घर के नए सदस्य मिलाते हैं, जो कि मेरा छोटा भाई आ रखा है यहाँ पे गांव, कल के दिन ही आया था और अभी वो जा रहा है वहाँ पे, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ जाके क्या कर रहा है, तो ये देख पा रहे होंगे आस्था के संग ये रहा है यहाँ पे, कहा इतना पागल आत का कहीं कौन तो अभी नहीं नहीं कर रहा हुआ। तो ये देख लीजिए, यही है मेरा एक लौता देवर, मतलब आस्था के पापा का एक छोटा भाई सगा, और जितने घर में आ जाते हैं वो सब मतलब चाचा के लड़के लोग हैं, चचेरे हैं, और सगा लेकिन यही है एक, और दीदी भी जो आस्था के पापा से बड़ी हैं वो भी आएंगी, उनसे भी आपको मिलवा दूंगी एक बार। तो दोस्तों मुझे इन दिनों बहुत ही ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, क्या ये गिर रहे हैं सारे, ये मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था इन दिनों, और बहुत अच्छी इसकी सब्जी लगती है, और वैसे तो जब मायके में थे तब तो इतना नहीं मतलब इस चीज़ का इतना इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर पे बनता ही रहता था, और यहाँ पे मुझे खाने को गांव में नहीं मिला। दिल्ली में भी हमने इसकी सब्जी बना के खाई है, बहुत खाते थे दिल्ली में भी, लेकिन इन दिनों जो आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है तो ये मैंने ना दिल्ली से मंगवाया है,
तो दिल्ली से आप बोलेंगे कि देवर लेके आए, देवर तो सूरत में रहता है, ये मेरी ननद लेके आई है, चाची जी की लड़कियां जो हैं वो लेके आई हैं, तो उनसे मैंने मंगवाया है और आस्था के लिए थोड़े से सामान लाए हैं और ये लाए हैं। तो दोस्तों आप सभी इसका नाम बताइएगा, इसके अलग अलग नाम लोग रखते हैं, तो इसका आप सभी नाम बताइएगा। और आस्था के देखिए सामान आए हैं, आस्था निकाल निकाल के आप सभी को दिखा रही है, दिखाओ आस्था। ये चिमटी ही चिमटी आई है, बुआ ले आई है, आस्था की बुआ। और ये देखिए कितना प्यारा हेयर बैंड, ये देखिए कितना प्यारा हेयर बैंड। और ये, और एक ये हेयर बैंड आस्था ने कल खरीदा था, और ये वाला भी बुआ। और एक ये हेयर बैंड देखिए कितना प्यारा। तो ये सारा ही बुआ सामान लेके आएंगे आस्था के लिए, है ना आस्था? बहुत खुशी हो रही है आस्था का, है आस्था के सभी लोग आ गए घर के, चच्चू आ गए, बुआ आ गई घर में। आज के दिन मम्मा मैं बुआ के घर पर रहूंगी। बुआ के यहाँ सोओगे? तो दोस्तों क्योंकि घर में शादी है तो सभी लोग घर में जुड़ते जा रहे हैं और हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अब सब लोग जुड़ रहे हैं तो सबसे मिलेंगे। और आज जाऊंगी चाची जी के घर अपनी नंदों से भी मिलने। ये तो आस्था ले आई थी उनके घर से, उन्होंने दे दिया था। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही होंगी कि मेरी ननद दिल्ली से आई है। मेरी नहीं, चाची जी की जो लड़कियां हैं वो उन्हीं के घर पे शादी है। मेरी ननद गांव में ही ससुराल में रहती हैं, मतलब दूसरे गांव में। और जिन चाची के घर की देखरेख हम करते थे, चाबी हमारे पास थी, जिनसे मैंने आपको मिलवा भी चुकी हूँ कई बार, तो उनकी लड़कियाँ, उन्हें भी, वो भी मेरी ननद ही लगती हैं, तो उनसे मैंने मंगवाए थे ये। और वो मेरा ध्यान ये होता है कि जो हमारी परवाह कर रहा है उसी से तो कहेंगे कि भाई ये ला दो ये ला दो, तो मुझे यकीन था कि मैं इन्हें बोलूँगी तो ले आएंगी, तो उन्होंने ले आई। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है अभी देखिए शाम के समय, कल कुछ खाना आना नहीं बनाया था, सब गाय के लिए दरिया भर बनाई थी, उसके लिए यहाँ पे चूल्हा मुझे रखना पड़ा था फिर से, क्योंकि यहाँ पे छपाई हो गई थी तो सारा सामान हमने हटा दिया था। लेकिन गाय के लिए दरिया बनाने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे दोबारा से चूल्हा सेट किया था और बनाया था। और आज फिर से यहाँ पे थोड़ा सा जो छाप हुआ है मिट्टी का, उसके ऊपर गोबर से लिपाई करनी है, तो इसलिए सारा सामान फिर से हटा रही हूँ और हटा के मैं बाहर की तरफ कर दूंगी, और उसके बाद यहाँ पूरे कमरे में गोबर से लिपाई करनी है। तो आज बिल्कुल सुबह ही सुबह समय हमने निकाल लिया है, क्योंकि दोपहर में फिर धूप हो जाती है, छत यहाँ पे है नहीं जिसकी वजह से धूप लगती है। और काम करने में उस दिन काम किया था जब छपाई के समय, तो मेरी तबीयत रात के समय में ख़राब हो गई थी, और दोस्तों मुझसे इतना काम नहीं हो। दोस्तों अभी करनी है पूरे कमरे की सफाई, और अभी थोड़ा टाइम है जब तक मैं इसे छील लेती हूँ। दोस्तों इसे इस तरीके से छील लेंगे, ऊपर ऊपर का छिलका हटा देंगे, और बाद पे इसे खाया नहीं जाता, ये सिर्फ चूसा जाता है, चूस के और इसका जो वो होता है वो फेंक दो, ऐसा कुछ होता है, और बहुत अच्छा बनता है इसका। तो दोस्तों आज यहाँ दीवार पे गोबर और मिट्टी से लिपाई कर देते हैं ताकि दीवार और भी अच्छी दिखने लगे, बिल्कुल एक बराबर सी। बस ये आखिरी स्टेप है और उसके बाद बस इस कमरे का काम हो गया। तो देखिए दोनों ही मिल चुके हैं आज काम करने में। आस्था के स्कूल की छुट्टी है तो वो आज स्कूल नहीं जा रही है। पानी डालो बाद में रिकॉर्ड करने का झंझट मिला अच्छे से। पूरी धल धल दी दी
आज ये सभी काम हम सुबह ही कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, तो देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि गोबर मिट्टी दोनों मिक्स कर रहे हैं और फिर इस दीवार पे पूरे में आज हमें पूरे में ही गोबरा करना है। सारे में इधर आंच सी आ गई है, फिर इस कमरे का काम समझ लो फाइनल ही हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक टपरा बनेगा बस, फिर मतलब यहाँ का काम बिल्कुल खत्म है। और सुबह ही सुबह हम इसलिए लग गए क्योंकि दोपहर में फिर मतलब 10 बजे के बाद ही धूप हो जाता है खाना पीना बनने के बाद ही, तो इसलिए सुबह सुबह लग गए। अभी खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ से काम करके रीते मतलब खाली हूँ, तो नहाना धोना करके उसके बाद खाना पीना खाएंगे। नाश्ता इन लोगों ने कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा, देखिए बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। नहीं ऐसा छींटे पड़ेंगे मेरे तो हमने पूरा ढांक दिया। तो दोस्तों गोबर और मिट्टी ना अच्छे से मिक्स हो गई है, पानी भी अच्छे से डाल दिया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सामान हटाने लगी हूँ। और आस्था के पापा देखिए लीपने भी लगे हैं, आस्था भी, और अब हम तीनों ही लग गए हैं एकदम चमकाने में। तो ये है ना कि एक बार लिपाई कर दो तो इसमें फिर पानी अगर बाई चांस गिरेगा भी ना तो वो गोबर के कारण फिसल के नीचे गिर जाएगा और मिट्टी में नहीं समाएगा, क्योंकि मिट्टी की दीवार है तो पानी को खींच लेती है ना अपनी तरफ, तो इसीलिए ऐसे गोबर से लीप देने से सही रहेगा और सुंदर भी दिखने लगेगा घर। कपड़े नहीं गंदे करो आस्था। तो बस दोस्तों ये कमरे का हो गया है सारा काम, अब गाय शाम के समय यहीं पे बांध देंगे और उस कमरे का जो लिडौड़ी है उसकी मिट्टी फुला देंगे। कल से वहाँ की जो थोड़ा बहुत दीवार रह रहा है उसे रखने के बाद किचन में भी छपाई करके कलर करके और फिर सारा सामान वहाँ पे रखना है किचन का। तो दोस्तों अब जो है ना ये कमरा और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, पहले तो अच्छा लग ही रहा था लेकिन अब और ज़्यादा सही हो गया, जो दरारें थी वो ऐसे भरती जा रही हैं। अच्छे से मुंह कर लो तो दोस्तों अब नीचे धरती पे लीपने लगी हूँ। नीचे तो लीपना नहीं था लेकिन गोबर फिर बच गया था, मिट्टी मिली हुई थी इसमें तो फिर बाद में फेंकना पड़ता है, इसीलिए यहीं पे ही धरती पे ही मैं लीप दे रही हूँ जल्दी जल्दी मोटा मोटा करके जल्दी जल्दी लीप दे रही हूँ। मतलब ये नहीं कि एकदम देख देख के, और क्योंकि नीचे गाय अगर एक ही दिन रहेगी ना उसी में ही वो पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरा उनके पैरों से खुद जाएगा। फिर भी लीप दिया मैंने, कहा चलो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा, बेशक गाय खोद दे चाहे खराब कर दे। तो अब जाके बहुत ज्यादा सुकून मिला कि चलो फाइनली ये कमरा तैयार हो गया और गाय अब यहाँ पे रह सकती है। यहाँ पे मतलब एक कमरा बिल्कुल तैयार है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये है
कि जब टीन डरवाना होगा तो टीन डरवा देंगे, नहीं तो पन्नी। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो आज नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों ये देखिए कमरा क्या ही चकाचक लग रहा है, बिल्कुल एकदम साफ क्लीन, देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है।